हेलो, क्या आप इंटरनेट पर सर्च करके थक चुके हैं फिर भी आपको आपके काम की जानकारी नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों, आप सही जगह पर आए हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ टैली कोर्स से संबंधित एक पूरी कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यकीन माने, अगर आपने बहुत सारे चैनल देखे हैं और अगर आप मेरा प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूं आप दोस्तों, आप टैली को शॉर्टकट से भी स्टार्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप पर, और अगर आप चाहें तो स्टार्ट बटन पर जाकर यहां से भी आप टैली को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप सर्च भी कर सकते हैं सर्च बार पर जाकर। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें पहले, ठीक है। ये मैं टैली का एजुकेशनल वर्ज़न रिलीज 6.6 यूज़ कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको एजुकेशनल मोड ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर इंटर बटन दबानी है आपको। टैली में इंटर से आगे पढ़ता है, इसके बटन से आप पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप खोलेंगे तो अगर आप से पहले किसी ने काम किया है तो, या कोई भी काम आपने किया है तो एक कंपनी बनी होती है। कंपनी वो होती है, जैसे कोई फाइल हम बनाते हैं जिसमें हमारा डाटा सेव रहता है, तो कंपनी का आपका जो भी लेन देन का डाटा होता है वो कंपनी कहलाता है, पूरा इसी में सेव रहता है। टैली में हम जो फाइल बनाते हैं उसे हम लोग कंपनी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पुरानी कंपनी या जो पुरानी फाइल है उसे शट करना होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर शट का ऑप्शन दिया है, या आप कीबोर्ड से Alt प्लस F1 दबा सकते हैं। अगर सिंगल अंडरलाइन दी होती है तो उसका मतलब होता है कि Alt दबा कर आपको प्रेस करना है। तो देखिए, शट करने पर करने के बाद हमें क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में आपसे नाम पूछेगा, आप अपनी कंपनी का नाम जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। कंट्री आप इंडिया रखेंगे, स्टेट आपको उत्तर प्रदेश रखना है, ठीक है, या आप कोई भी स्टेट में जहां पर हो आप रख सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर उसे कहते हैं जहाँ से हमारा बिगनिंग शुरू होता है, जिस ईयर से हम अपना लेन देन शुरू करते हैं उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और सारी डिटेल भरने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस नाम से कंपनी हमारी क्रिएट हो जाती है। ऑल इंडिया कंप्यूटर नाम से मैंने कंपनी बनाई है। अगर हम चाहें तो दोबारा सेट करके उस कंपनी को फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं टैली में। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली में आपकी कंपनी का नाम देखिए। जब भी हम टैली में कोई कंपनी बनाते हैं तो उसकी एक आईडी सेट हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर की आईडी है, तो यहाँ पर उसी आईडी से हम कंपनी को दोबारा खोल सकते हैं। आईडी को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। और चाहें तो फिर से आप शट करके बंद कर सकते हैं, ये रहा। और शट करने के बाद आप दोबारा फिर चाहें तो फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने आईडी याद रखा है तो आपकी कंपनी इजीली आपको मिल जाएगी, अगर कई कंपनी आपने बना रखी है तो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अल्टर ऑप्शन भी दिया होता है, अल्टर करके भी आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्म भरा था, आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई, आपको नाम चेंज करना है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन खाली छोड़ दी थी, तो आप उसे फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं कंपनी का नाम चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और अपनी ईमेल आईडी भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो अगर आपको कभी कंपनी में चेंज करना हो, जो कंपनी में आपने फॉर्म भरा था उसे चेंज करना हो, तो इसे हम अल्टर कहते हैं टैली में, ठीक है। अल्टर करके हम कंपनी की डिटेल को एडिट करके एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी कंपनी का नाम चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एस्केप करके पीछे हो लेंगे, और हम अगर शट कर दें तो शट करने के बाद सेलेक्ट कंपनी में अगर हम जाते हैं तो अब नाम भी चेंज हो गया होगा, लेकिन देख सकते हैं आईडी वही है हमारी, आईडी नहीं चेंज होती है दोस्तों। कंपनी का नाम चेंज हो गया है, या जो भी डिटेल आपने पहले से भरी थी वो चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी को हम पूरी तरीके से अगर डिलीट करना चाहें तो कैसे डिलीट करेंगे। मान लिया हमने कंपनी बनाई है, हम पूरा उसका डाटा मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे हटाएंगे, कैसे डिलीट करेंगे। इसके लिए भी हमें अल्टर ही करना होता है, यानी चेंज करने के लिए भी अल्टर और हटाने के लिए भी अल्टर करना होता है। अल्टर करने के बाद जब फॉर्म दोबारा दिखाई देने लगे आपको, तो आप Alt प्लस D दबा सकते हैं। Alt प्लस D दबाने के बाद आपको डिलीट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप कंफर्म कर देंगे, इस तरीके से कंपनी हट जाएगी। ध्यान रहे दोस्तों, कंपनी तभी हटाएं जब आपको इसका पूरा डाटा क्लियर करना हो। अगर आपने गलती से कर दिया तो आपके सारे लेन देन जो आगे हम करने वाले हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे,
इसलिए सोच समझ कर ही अल्टर करें। थैंक यू। आज के ट्यूटोरियल में हम इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट।